वीडियो में हम सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं क्वेरीज यूजिंग एसक्यूएल रिलेशनल एल्जेब्रा टपल कैलकुलस एंड डोमेन कैलकुलस। इन सबको यूज़ करके हम क्वेरी को लिखेंगे। हमें ये टेबल्स गिवन है, ये रिलेशंस गिवन है, कस्टमर ऑर्डर, ऑर्डर आइटम और आइटम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए पहले जितनी भी रिलेशंस दिए हैं उनके टेबल्स बना लो, उनको नेम दे दो। हमने यहाँ पर नेम दिया है PQRS। उनके एट्रीब्यूट्स को नाम दे दो, जैसे यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को नाम दिया हमने C1, C2, C3। इसके एट्रीब्यूट्स को नाम दिया है O1, O2, O3, O4 और यहाँ पर हमने नेम दिया है R1, R2, R3 और I1 और I2। अब हमें क्वेरी क्या दी हुई है, रिट्रीव द नंबर एंड यूनिट प्राइस ऑफ आइटम्स फॉर विच एन ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 इज प्लेस्ड। हमें क्या रिट्रीव करना है, आइटम का नंबर और उसकी यूनिट प्राइस। किसके लिए, जहाँ पर ऑर्डर की क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर देन 50 हो। हमें वो आइटम सर्च करना है जिसकी क्वांटिटी कस्टमर्स ने 50 से ज़्यादा प्लेस की हुई हो, उस आइटम का नंबर भी चाहिए और उसकी यूनिट प्राइस भी चाहिए। तो हमने बनाए ये 4 टेबल्स। हमें क्या चाहिए, देखो, आइटम नंबर और यूनिट प्राइस किस टेबल से मिल रहा है, आइटम टेबल, यानी आइटम टेबल का तो यूज़ करना है। और क्या दी हुई है हमें, क्वांटिटी जिसकी ग्रेटर देन 50 हो। तो क्वांटिटी जिसकी ग्रेटर देन 50 हो वो हमें कहाँ से मिलेगा, ऑर्डर आइटम टेबल से। इसका मतलब है हमें इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है। किसके बेसिस पे ज्वाइन करोगे, देखो, आइटम नंबर के बेसिस पर, क्योंकि इन दोनों टेबल्स में क्या कॉमन है, आइटम नंबर। तो आइटम नंबर के बेसिस पे हम इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइटम टेबल क्या है हमारा S और ऑर्डर आइटम टेबल क्या है R। तो देखते हैं कैसे क्वेरी लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसको लिख रहे हैं SQL में। तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, सिलेक्ट S.ItemNumber। देखो S.ItemNumber क्यों लिखा, देखो इसमें भी आइटम नंबर है और इसमें भी आइटम नंबर है। मैं क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, इसका आइटम नंबर। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट रिलेशन बनेगा उसमें एक R.ItemNumber होगा, एक S.ItemNumber होगा, क्योंकि आइटम नंबर के बेसिस पे तो हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं किसका आइटम नंबर प्रिंट करवाना चाहती हूँ, S का आइटम नंबर, क्योंकि दो नाम के आइटम नंबर्स के एट्रीब्यूट्स हैं, एक R.ItemNumber एक S.ItemNumber। तो मुझे S.ItemNumber को प्रिंट करवाना है और यूनिट प्राइस तो एक ही एट्रीब्यूट रहेगा, दूसरा कोई एट्रीब्यूट यूनिट प्राइस नाम का नहीं है, तो यूनिट प्राइस को एज इट इज़ लिखेंगे। तो हमें क्वेरी क्या लिखनी पड़ेगी, सिलेक्ट S.ItemNumber, क्योंकि हमें आइटम नंबर प्रिंट करवाना है, यूनिट प्राइस फ्रॉम ऑर्डर आइटम को हमने नाम क्या दिया हुआ है R और आइटम को नेम क्या दिया हुआ है S। किस बेसिस पे हमें इन्हें ज्वाइन करना है, वेयर R.ItemNumber इक्वल्स टू S.ItemNumber, जहाँ ऑर्डर आइटम और आइटम वाले टेबल का आइटम नंबर सेम हो उसके बेसिस पे मर्ज करो, और जहाँ पर क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर देन 50 हो। तो सिंपल सी क्वेरी है, हमें डिस्प्ले करवाना था आइटम नंबर, यूनिट प्राइस, ऑर्डर आइटम को हमने R लिया है, आइटम को S लिया है, किस बेसिस पे उन्हें ज्वाइन करना है टेबल्स को, आइटम नंबर के बेसिस पे। तो वी आर R.ItemNumber इक्वल्स टू S.ItemNumber एंड क्वांटिटी क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 50। तो ये हमारी क्वेरी हो गई SQL में। अब इसे हमें लिखना है रिलेशनल एल्जेब्रा में। तो रिलेशनल एल्जेब्रा में हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें कौन से एट्रीब्यूट्स प्रिंट करवाने हैं, आइटम का आइटम नंबर और उसका यूनिट प्राइस। तो एट्रीब्यूट डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास होता है प्रोजेक्ट ऑपरेटर। तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर यूज़ करके, पाई यूज़ करके हमने लिख दिया कि आइटम डॉट आइटम नंबर और यूनिट प्राइस प्रिंट करनी है हमें। और हमारी कंडीशन किसके साथ लिखते हैं हम, सिलेक्ट के साथ, क्योंकि पाई के साथ कंडीशन नहीं लिख सकते, तो सिलेक्ट ऑपरेटर के साथ यानी कि सिग्मा के साथ हमें लिखेंगे क्वांटिटी ग्रेटर देन 50। और ज्वाइन किसको करना है हमें, देखो, ऑर्डर आइटम और आइटम को आपस में करना है हमें ज्वाइन। तो ज्वाइन ऑपरेटर के साथ हमारी कंडीशन क्या है, ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम डॉट आइटम नंबर इक्वल्स टू आइटम डॉट आइटम नंबर, ये रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब इसी टप्पल रिलेशनल कैलकुलस में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना भी पड़ता है किस रिलेशन के आप एट्रीब्यूट्स प्रिंट करवाना चाहते हो। तो हमें S.ItemNumber और S.UnitPrice लिखना पड़ेगा। देखो, रिलेशनल एल्जेब्रा और SQL में हमें सिर्फ यूनिट प्राइस लिखना पड़ा था, लेकिन आपको टप्पल रिलेशनल कैलकुलस में S.ItemNumber, S.UnitPrice लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये बाहर आएगा, फिर ये S क्या है, आइटम वाला टेबल है। तो इस आइटम टेबल का नेम लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे S, यानी S इज़ द नेम ऑफ आइटम टेबल। हमें क्योंकि ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे एग्जिस्टेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, तो एंड हमें ज्वाइन करवाना है किसके साथ, R टेबल के साथ। और R क्या है,
और इस आर इज ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम, ठीक है, आर हमने किसको नाम दिया है, ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम वाले टेबल को। एंड कंडीशन क्या है हमारी, जहाँ पर एस डॉट आइटम नंबर इक्वल टू क्या हो, आर डॉट आइटम नंबर एंड आर डॉट क्वान्टिटी इज ग्रेटर देन 50। क्या कह रहे हैं कि हमें एस टेबल, एस टेबल मतलब आइटम टेबल का आइटम नंबर और यूनिट प्राइस रिट्रीव करना है, और आइटम को हमें ज्वाइन करवाना है किसके साथ, आर के साथ, और आर किसका नाम है, ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम टेबल का। और हमारी कंडीशन क्या है कि जहाँ पर एस डॉट आइटम नंबर इक्वल्स टू आर डॉट आइटम नंबर हो और आर डॉट क्वांटिटी 50 हो, उस बेसिस पे दोनों टेबल्स क्या हो जाएं, ज्वाइन हो जाएं। ये क्वेरी हो गई हमारी टप्पर रिलेशनल कैलकुलस में। अगर आपको डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में लिखना है तो हमने नेम दिया था ऑर्डर आइटम के एट्रीब्यूट्स को आर1 आर2 आर3 और आइटम टेबल के एट्रीब्यूट्स को नेम दिया था आई1 और आई2। यहाँ पर देखो हमने आइटम टेबल के एट्रीब्यूट्स को क्या नाम दिया, आई1 और आई2। आई1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइटम नंबर को, और यूनिट प्राइस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आई2। ऑर्डर आइटम के एट्रीब्यूट्स में आर1 क्या है, ऑर्डर नंबर, आर2 क्या है, आइटम नंबर, और आर3 क्या है, क्वांटिटी। हमें क्योंकि आइटम नंबर और यूनिट प्राइस को रिट्रीव करना है तो हम लिखेंगे आई1, आई2, ठीक है। फिर किस पे कंडीशन अप्लाई करनी है, देखो जहाँ पर आइटम नंबर दोनों का सेम हो और क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 हो। यहाँ पर हमें ऑर्डर आइटम का क्या चाहिए, R2 इक्वल्स टू R1 करना है, क्योंकि इसका आइटम नंबर है R2 और इसका आइटम नंबर है R1। तो हमें ज्वाइन करना है दोनों टेबल ऑन द बेसिस ऑफ R2 इक्वल्स टू I1, ठीक है। और R3 मतलब क्वांटिटी, जहाँ पर R3 क्या हो, ग्रेटर देन 50 हो। तो हमें किस, कौन से एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना पड़ा, R2 और R3 का। तो ऑर्डर टेबल के हमें R2 और R3 पे कंडीशन अप्लाई करनी है, इसलिए हम इसको किसके साथ लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट R2, देयर एग्जिस्ट R3, ठीक है। ऑर्डर आइटम के एट्रीब्यूट्स हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या है, R1, R2, R3 एंड आइटम के एट्रीब्यूट्स क्या है, I1 और I2। ये क्या बता रहा है कि हम ऑर्डर और आइटम को आपस में कर रहे हैं ज्वाइन। और कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, जहाँ पर R2 इक्वल्स टू I1 हो एंड R3 क्या हो, ग्रेटर देन 50 हो। जहाँ पर R2 इक्वल्स टू I1 हो, मतलब ऑर्डर का आइटम नंबर इक्वल, ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम का आइटम नंबर इक्वल्स टू हो आइटम के आइटम नंबर से, और जहाँ पर ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम की क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 50 हो, उस बेसिस पे इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है। और कौन सी वैल्यू रिट्रीव करनी है, I1 और I2, मतलब ऑर्डर का आइटम नंबर और उसकी यूनिट प्राइस। तो बस आपको इनके वेरिएबल्स, इन एट्रीब्यूट्स के नेम पता होने चाहिए। देखो इस एट्रीब्यूट्स का नेम हमने रखा है I1 और I2, क्योंकि ये किसके हैं, आइटम के एट्रीब्यूट्स हैं। फिर आपको जिस भी एट्रीब्यूट्स पे कंडीशन लगानी है उनके नेम, तो यहाँ हमें कंडीशन लगानी है R2 और R3 पे, तो हम देयर एग्जिस्ट के साथ लिखेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, कि ऑर्डर आइटम और किसको मर्ज कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं आइटम को, और ऑर्डर आइटम के एट्रीब्यूट्स हैं R1, R2, R3 और आइटम के एट्रीब्यूट्स हैं I1 और I2। और कंडीशन हमारी क्या है, जहाँ पर R2 इक्वल्स टू I1 हो और R3 ग्रेटर देन 50 हो, उस बेसिस पे इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है। सभी क्वेरीज का रिजल्ट क्या होगा, सेम रहेगा।